उपवास की एक सदी, 180 दिन का एक उपवास, ऐसे 7 बार उपवास। और खास बात यह है कि इस व्रत के दौरान 800 किलोमीटर की पदयात्रा। सुनकर हैरान हो गए ना? तो आइए देखते हैं जैनाचार्य हंस रत्न सूरी महाराज की अनसुनी प्रेरक कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। जैन धर्म में 30 दिनों तक सुबह से शाम तक सिर्फ उबला हुआ पानी पीकर उपवास करने का बहुत महत्व है। जैनाचार्य हंस रत्न सूरी महाराज ने अपना 30 दिन का उपवास तोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि जैनाचार्य महाराज ने 30 दिनों के उपवास की एक सदी पूरी कर ली है। उन्होंने 100 उपवासों की संख्या पार कर ली है, जहाँ एक उपवास 30 दिनों का होता है। मुंबई में महातप पर्णोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस खास आयोजन में उन्होंने 30 दिनों के उपवास का शतक पूरा किया और सभी भक्तों की मौजूदगी में उपवास तोड़ा। इस ऐतिहासिक पल का अनुभव लेने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार समेत दुनिया भर से श्रद्धालु आए थे। एक शताब्दी तक उपवास करना जाति की दृष्टि से एक अलौकिक और अद्भुत घटना मानी जाती है। खास बात ये भी है कि अब तक जैनाचार्य महाराज भी 180 दिनों का उपवास कर चुके हैं। वो संख्या भी 7 हो गई है। 180 दिनों के उपवास में 7 बार पारण किया जाता है, यानी एक बार इस व्रत को शुरू करने के बाद 6 महीने के बाद इसे छोड़ते हैं। जैनाचार्य महाराज ने 6 महीने का ऐसा विश्व रिकॉर्ड उपवास किया है। इतने कठोर व्रत के बाद भी जैनाचार्य महाराज के दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, ऐसा उनके सेवकों का कहना है। व्रत के दौरान दिन में सिर्फ 2.5 घंटा ही सोते थे, बाकी 15 से 16 घंटे ध्यान में बिताते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने उपवास के दौरान 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। उन्होंने मुंबई से पुणे और वहां से पुणे से फिर मुंबई तक का सफर पैदल ही पूरा किया। इस दौरान उन्होंने पुणे के कई जैन मंदिरों का भी दौरा किया और प्रवचनों के कार्यक्रम में भी शामिल होते रहे। हमने ये जानने की कोशिश की कि वर्ल्ड रिकॉर्ड फास्ट के पीछे का असल मकसद क्या है। इस बारे में बात करते हुए जैनाचार्य महाराज के सेवकों का कहना है, विश्व में माहौल अस्थिर है और यह अस्थिर माहौल समाप्त होना चाहिए। साथ ही साथ विश्व शांति स्थापित होनी चाहिए। लोगों को अहिंसा की नीति अपनानी चाहिए। दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए, इसीलिए जैनाचार्य महाराज ये साधना कर रहे हैं। मुंबई के वर्ली डोम में महातप पर्णोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अलौकिक घटना को देखने के लिए आपको बता दें कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ शामिल हुए। सभी श्रद्धालुओं की मौजूदगी में ही जैनाचार्य महाराज ने अपना ऐतिहासिक 100वां उपवास तोड़ा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।